हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थंडर ब्लास्ट रस के बारे में। ये थंडर ब्लास्ट रस किस में काम आता है और इसको किस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बातें करके देंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए, तभी आपको थंडर ब्लास्ट रस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। हाँ तो दोस्तों, आइए जानते हैं थंडर ब्लास्ट क्या है और इसका काम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये थंडर ब्लास्ट रस, ये एस्लिफियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये 500 ml का आता है। 500 ml का MRP है 2134 रुपये। 2134 रुपये इसका 500 ml का MRP है। और ये थंडर ब्लास्ट किस में काम आता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को शारीरिक या मानसिक कमजोरी हो तो उसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मानसिक कमजोरी को दूर करने में मदद करता है और किसी भी व्यक्ति को नसों की ब्लॉकेज हो तो ये नसों को ब्लॉकेज में खोलने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का लकवे में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका लकवे में बेहद ही फायदेमंद रिस्पांस है। अगर किसी को लकवे की शिकायत हो तो आप इसको थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेक्स पावर को बढ़ाता है, लिंग पतन व नपुंसकता, स्वप्न दोष आदि में इन सब की समस्याओं में आप इस थंडर ब्लास्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पुरुष या औरत को सेक्स पावर की समस्या है तो आप इसका थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंग पतन हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारा थंडर ब्लास्ट है, ये ब्लड को पतला करता है और नसों को ब्लॉकेज को खोलता है। और स्त्री या पुरुष दोनों को खोई हुई शक्ति वापस लाता है, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ये थंडर ब्लास्ट रस बेहद ही फायदेमंद है। ये टोटल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और स्टेमिना, अगर किसी भी व्यक्ति को स्टेमिना की कमी से सांस फूलना, इन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर 500 मीटर या कुछ भी अगर दौड़ लगाता है तो उसको स्टेमिना की कमी से सांस फूलने लगता है, तो इसमें इसका थंडर ब्लास्ट का आप इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये थंडर ब्लास्ट का बेहद ही रिस्पांस है। और थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। थंडर ब्लास्ट 10 से 15 ml दिन में दो बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 ml सुबह में खाना खाने के आधे घंटे बाद, मतलब 30 मिनट के बाद आप थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के 30 मिनट बाद थंडर ब्लास्ट 15 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शाम को भी 15 ml खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये टोटल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे।
अगर कोई भी व्यक्ति ये थंडर ब्लास्ट लेना चाहता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।